Hello, Bacho. let's read the question. So, the question over here says Rangan Theto Century in Mysore is known for the population of option A is the bison, option B is the tiger, option C is goat, and last option is the birds. Now, let's see our key concept. So, our key concept over here is Rangan Theto Century. अब रेंगे टीटो सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है बेसिकली इन मैसूर और ये कवर करती है एरिया इट इज़ लोकेटेड इन दी मैसूर एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं इसका तो ये, ये एक लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी विथ फोर्टी एकड़ एरिया मेनली ये फोर्टी एकड़ एरिया में फॉर्म हुआ हुआ है इन कर्नाटका ना इफ़ यू टॉक अबाउट देयर स्पेशलिटी सो ये यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बर्ड्स की पॉपुलेशन होती है ये फेमस भी इसी वजह से ये जो सेंचुरी है बर्ड्स पॉपुलेशन पॉपुलेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पक्षी कशी ऑफ कर्नाटका इसे पक्षी कशी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती है इसका जो इस्टैब्लिशमेंट हुआ है इट इज़ ऑल्सो एज पक्षी कशी ऑफ कर्नाटका ये इस्टेब्लिश हुआ था ना इन दी एट ऑफ लेट्स ऑफ नाइनटीन फोर्टीज और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वन सेवेंटी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स प्रजेंट होती है नाउ हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कि रेंगन थीटो सेंचुरी इन मैसूर जो किसके लिए लाइक like, फेमस है सो so हमें बताना है ऑप्शन ए हमारा बाइसॉन। सो so, अगर हम बाइसॉन के बारे में डिस्कस करते हैं बाइसॉन एक पावरफुल एनिमल है इट इज़ एन एनिमल और इसमें जो है दो हॉर्न पाए जाते हैं इट कंटेन टू हॉर्न्स स्पेशली इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का फीडिंग हैबिट अगर हम देखते हैं तो इट इज़ हरबी वोरस इन नेचर एंड द वेट ऑफ बाइसोनस फोर सिक्सटी टू फाइव फोर्टी के जी का ये एनिमल होता है तो so ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा हमारे ऑप्शन से बिकॉज ये इंडिया में नहीं पाया जाता है ये पर्टिकुलरली आउट ऑफ द सिटीज़ पाया जाता है आउट ऑफ कंट्री फॉरेन में पाया जाता है अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर जो है एक कार्निवरस ऑर्गेनिज्म है जो स्पेसिज ऑफ कैट को बिलोंग करता है स्पेसिज ऑफ कैट एंड इसका जो फीडिंग हैबिट है वो कैसा है कार्निवोर्स वेट वाइज अगर हम टाइगर को देखते हैं तो इसका जो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली एटी पाउंड होता है एंड स्पेशलिटी ऑफ टाइगर इज इट इज ए नॉक्चर्नल विजन इसमें जो है नॉक्चरनल विजन पाया जाता है एंड कैन स्विम इन वाटर वाटर में ये इजीली स्विम भी कर सकता है वाटर सो इट इज आल्सो रिमूव फ्रॉम दी ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर सेंचुरी में रेंगेथिटो सेंचुरी में जो है मेनली बर्ड्स पाई जाती है अब नेक्स्ट है हमारा गोट गोट का अगर हम डिस्कस करते हैं सो गो को जो है ये डोमेस्टिकली लाइक रूरल एरिया पर भी इसको ग्रो किया जाता है एंड इट इज़ इन हर्बी वोरस ऑर्गेनिज़म हर्बी और इसके जो है डिफरेंट एग्रीकल्चर बेनिफिट्स भी होते हैं पर्टिकुलरली सो इट इज़ ऑल्सो रिमूव फ्रॉम दिस हमारा जो ऑप्शन डी है ये क्या है करेक्ट है जैसे हमने देखा कि रेंगे थीटो जो है ये मैसूर में लोकेटेड है और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 170 सेवेंटी स्पेसिस है बर्ड्स की डिफरेंट स्पेसिस पाई जाती हैं और इसीलिए ये फेमस भी है सो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट है दट रेंगे इज नोन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू